हमारे सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप इतने स्मार्ट कैसे हो, फिर इतने ब्यूटीफुल कैसे हो गए आप? सच बताना, नेचुरल या ये ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी है? Hey guys, welcome back to एक और ब्लॉग। सो गाइज भाई आपका आ गया एक और ब्लॉग लेके, और भाई हो गया रेडी, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि हम हमेशा से लेट आते आ रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कोशिश बड़ी जल्दी करते हैं, पापा गुस्से में चले गए, मम्मा भी चली गई है, और रूही ने हमें कर दिया लेट। और अनिल देखो पीछे रेडी हो गया, हेलो करो। हेलो, देखा मुंडा कुर्ते पजामे में सोना लग रहा। सो गाइज अभी हो गया रेडी, और आपके भाई ने सिंपल ड्रेस पहन लिया, पैंट शर्ट, तो ये जूने कुर्ता पजामा पहन लिया। रूही को अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि शी इज़ नॉट रेडी राइट नो, सो अभी वेट कर रही है, पता नहीं क्या पहने की, कोई समझ नहीं आ रही इसकी, और इसी की वजह से हम अभी टोटली लेट हैं। सो बस थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं, तो वहाँ का क्या माहौल है अभी वहाँ पर जाके बताएंगे आपको, तो थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारी वीडियोज़ का इन्जॉय करिए, ठीक है। जा रहे हैं हम घर में, मार्केट में काफ़ी टाइम लग गया, पीछे देखो रूही इसने टाइम लगवाया क्योंकि ये रेडी हो रही थी, अब देखो कैसी लग रही है। तो अभी जा रहे हैं, अब गफे पढ़ने वाले घर जाके, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मी तो लगा कोई सगन वाले आए नहीं गए हम आखना ये भी उनके नंगा आए ना। सो गाइस बट विद इन 2-3 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं, देन आपको घुमाते हैं अंदर, ठीक है। देख सकते हैं पहुंच गए, अभी गाड़ी पीछे लगानी पड़ेगी, पार्किंग नहीं है फिलहाल, आप देखिए इधर बैंड बाजा चल रहा है। बेचना बंद कर उन्हें हूँ कड़ा काम है, ठीक है अभी दिहाड़ी लगनी चाहिए जिधर मर्जी लग गया। चलो चलो और ठीक ठाक जी गाइस, अभी आप देख सकते हैं सभी फैमिली हमारी रेडी हो गई है, आ गए सभी। क्या चाल है? ठीक ठाक, पंजाबी आ गए, कोई हेलो हेलो कर जुड़ा करो, कख नहीं था। क्या बात है, क्या बात है, वेल डन वेल डन। हेलो शिवानी जी, क्या हाल है? शादी के बाद शिवानी आज मिल रही है सबको, कैसा लग रहा है आपको? पंडित जी आपको कितना लग रहा है? आज लॉट ऑफ डिफरेंस है, क्या बात है, आज तनु ने कमाल कर दिया। अभी हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है शिवानी, तो ये बूजी की बेटी है, आपको सबसे फर्स्ट शादी मैंने इसी की दिखाई थी, तो आज पूछते हैं इसको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि तब से ये आज ही आई है। और शिवानी जी क्या बोलोगे आप? ये बोलूंगी कि जैसे मेरी शादी की वीडियो वायरल हुई थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने शेयर करा था, कमेंट करे थे अच्छे अच्छे, वैसे ही भैया के चैनल को आगे सपोर्ट करते रहो उनको। वैसे मुश्किल होता है इतने सब लोगों के सामने बोलना, इतने लोग होते हैं, शर्म भी आती है, फील भी होता है थोड़ा सा, कुछ लोग देखते भी है कि कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि इनको सपोर्ट करते रहो ज्यादा से ज्यादा। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है गाइस, मतलब शर्म आती है जब मतलब अपने रिलेटिव में जब बंदा मोबाइल लेके ऐसे खड़ा हो ना, ऐसे ऐसे कैमरा घुमा रहा हो, मुझे बहुत ज्यादा बोलते हैं यार देखो ये बंदा है क्या, फोन ही ऑन रखता है, फोन ही ऑन रखता है। तो लेकिन गाइस ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि यार आप लोग मेरी हर वीडियो का वेट करते हो कि नई शादी में आगे क्या होने वाला है, जैसे आज शगुन है ना, तो कल बारात के लिए आप ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होंगे, उसके बाद आप सोचेंगे नए रिसेप्शन में कैसा होगा, दुल्हन कैसी लग रही होगी, दूल्हा कैसा लग रहा होगा, मेरी सिस्टर्स जो भी हमारे रिलेटिव आएंगे वो सभी कैसे लग रहे होंगे, और लड़कियों तो स्पेशली वो ड्रेस के लिए बड़ा होती है ना कि उसने यार वो क्या पहना, वो उसने क्या पहना, मुझे लगता है ऐसा क्योंकि मेरी सिस्टर तो सभी ऐसी करती हैं, ये भी ऐसी ही करती हैं सभी। तो गाइज बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा आपसे कि अगर मैं आपके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा एफर्ट्स एक शेयर करना है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका, ठीक है। मेरी मेहनत लगती है कि मैं 2-2, 3-3 घंटे लगा के मतलब वीडियो बनाता हूँ और एडिटिंग करता हूँ, और आप बिलीव करो रात को 2 बजे सोया था, सिर्फ 1-1.5 घंटा एडिटिंग की थी, और सुबह 2 घंटे लगा के वीडियो पोस्ट की। अगर नहीं करता तो पीछे वाला, क्योंकि फ़ोन की मेमोरी टोटली फुल हो चुकी है, तो आपने शेयर करना जिसमें कोई पैसा लगता ही नहीं है, तो सपोर्ट करते रहो भाई को, तो चलो आज खूब सारा एंजॉयमेंट करते हैं। पीछे तनु देखो जरा कितनी प्रीटी लग रही है, परसों तो कुछ अजीब ही लग रही थी, बट आज में तो खुद पहचान में नहीं आ रही, वही तनु है ये,
हाँ ये वही तनु है क्योंकि मैंने इसका आधार कार्ड देखा था अभी। ठीक है तो चलो गाइस अभी ये सगुन आ गया तो मैं बाहर लेके जाता हूँ। ठीक है थैंक्स। सगुन वाला ऑटो तो आ गया भाई, यहाँ पे रोड तंग है यार, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ये हमारे यहाँ कैमरामैन आप देख सकते हो, मैं इनकी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मेरी वीडियो करेंगे। ठीक है भैया ओके। मिलवाने वाला हूँ, ये सपना दी है और ये पंजाब से आई हैं और इनका तीन चार दिन से वेट कर रहे हैं। और आप सभी जितने यहाँ पे हमारी बहनें बैठी हुई हैं, अब मुझे ये बताओ कि पंजाबी में इनसे बात करें कि डोगरी में करें? पंजाबी। चलो यार पंजाबी करना। सपना दी तुम लेट हो गए, किदा की चक्कर हो गया? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ? ਬੱਸ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗ ਲਗਾਇਆ ਥਾ ਗਾਈਜ਼, ਅਭੀ ਆਜ ਉਤਰੀ ਹੈ ਇਨਕੋ, ਤਭੀ ਆਜ ਆਏ ਹੈ ਇਹ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸੇ ਅਭੀ ਆਜ ਆਏ ਹੈ ਘਰ ਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਭਗਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਹੋਏ। नहीं आप मुझे ये बताओ कल वाली वीडियो कैसी लगी आपको? आप इतने अच्छा, जितने हमारे सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप इतने स्मार्ट कैसे हो, तो इतने ब्यूटीफुल कैसे हो गए आप? सच बताना नेचुरल है या ये ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी है? नहीं क्योंकि क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ, आज की जो बात है, जो आज रूही ने ये ड्रेसअप पहना हुआ है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि आज इसने जो मेकअप वगैरह किया ये इसने पर्सनली मतलब खुद किया, ये सेल्फ मेड जैसे बोलते हैं सेल्फ किया। और हाँ ये जरूर है कि साड़ी इसने वहाँ पे पार्लर में जाके वेयर की है ना। बाकी गाइज आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लग रही है, अगर आप इसको कमेंट कर दोगे ना रूही दी बड़ी प्रीटी लग रही थी, कल वाला सूट है कोई निगर होना, सही गल है नी? और एक गल और सुना दो, जिले वीडियो च कमेंट आंदा ना इन्हें उसी के रिप्लाई करना जिस इन्हें लिखा रूही दीदी बड़ी सोहनी लगे, और मैं आख्या कुदा बाकी वाले भी जरे केड़ा करो, कुदा एक के भैया भी सोहने लगे उससे भी कोई लिखना, हां भाई सच बात आई है सुमने दी पीनी लंबड़ सपना जी को आ रहा है गुस्सा हमारे ताऊ जी के बेटे हैं, ये अखनूर रहते हैं और यहाँ पे अनिल है। हेलो। सारी टिक्कियां पकोड़े इनको नहीं पूछोगे आप? YouTube ये मेरे मुँह बैठो मैं खा लिया सारे पूछ गया। बिल्कुल सही बात है।
from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you come up. अभी भूख भी लगी है, धीरे धीरे डांस वगैरह हो गया। अभी थोड़ी जी टिक्की खा लेता हूँ बुखार वाली। और इधर देखो मेरे साथ मेरे को कंपनी देते हुए अनिल जी और इधर है जोनी जी, स्पेशली अखनूर से आए हैं। और बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी हम सभी मिलकर खाना वाना खा रहे हैं, हम देख लिए सबको। तो मैंने सोचा यार मैं भी खा लेता हूँ, आपका भाई भूखा ना रह जाए, है ना। अनिल तो मतलब सालियों का नाच जब डांस में फ्लैट हो गया, पूरे सालियों खेले था जने सोने बड़े लगे फीलिंग आई तुम बड़ी खुशी आया कुड़िया मुड़े भी होना कुछ रोना अखनूर में रहते हैं और से सारी वीडियो देखते हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि शाम को जब 7 बजे सैर करने निकलते ना तो ये उस टाइम वीडियो का वेट कर रहे होते। तो चलो इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगता है वीडियो को देख के और आज यहाँ पे आए, इनको आज कैसा लगा। ताई जी क्या बोलोगे आप? पहला तो मैं सारे आखो साड़ी डोगरी प्रमोट करा रहा मेरा बच्चा। चेता नी भुलना चाहिए बच्चा ना जो सिखान लगा की डोगरी हुंदी गनी है, बोलनी बड़ी जरूरी, साड़ी मां बोली है। और मैं जो सुननी है ना ये डोगरी तो मेरा कलेजा ना एदा ही होता है। राम है, ये राम है मेरा राम। क्या बात है, इतना बड़ा नाम दे रहे हो आप बाकी। ठीक है, ये मेरे राम दी तुम्हें जिन्नी शेयर हो सके इन्नी शेयर करनी और कमेंट करनी और हर बंदे की दसनी तो है अपने रिश्तेदार की जिन्हें ने ना देखी थी मैं उसी भी सुनाना। नहीं जी ये सुनाओ कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं फोन मिले ना। हां जी हां जी, पहली बार वीडियो बड़ी देर बाद मिले क्योंकि ये भी बिजी रहंदे अस भी बिजी रहने बट ब्याह दा मौका मिलिया सानू क्या सारे इकट्ठे होया। बाकी डोगरी बोलना बहुत अच्छी गल है, बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन सिर्फ मी क्या होता है कि बिच बहुत सारे लोग कमेंट करते कि क्योंकि कुछ बाहर के लोग भी आना उस वे बोलते कि नहीं हिंदी क्योंकि बाहर तो पता कुछ लोग हिंदी के समझ आती बट फिर भी डोगरी जी बोली ना हर बोली वाला सुपर बन है। इस गल
हिंदी बोलो चाहे तो इंग्लिश बोलो पर डोगरी नहीं छटनी है ठीक है आज रोटी नहीं खादी कने लग रही है बिल्कुल नहीं पहली गल है तुंदे ना मिलिया बड़ा अच्छा लगा मैं आके आए तुंदे ना मिलिया क्योंकि हर बार वीडियो च कमेंट कर देना तो लेकिन आज चलो मिल लिया सामने अच्छा लगा तो और तुम्हें भी याद रखना कि ज्यादा कोला ज्यादा प्रमोट करनी है डोगरी मां बोली बिल्कुल ठीक है तो बाकी राम राम भाई बाय बाय करते हैं बाय बाय रोहित का फोन आ गया बटन लगाना है हम आए थे ड्रेस चेंज करने और साथ में और भी थोड़े काम थे चले फिर लेट हो गया काम सो गाइस देख लो क्या लेट पड़ गई है जल्दी से बटन लाने दे आहे लेट हो गई है इतने मेरे पर जाना तो करो आप ले आ जाओ नहीं है सब तो मजे की चीज है अरे मैं ले आऊं जैसे ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਲੋੜ ਲੜਾਈ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਦੇਖੋ चलो कंकों को भाई खाना खिलाना फिर सबको खिलाना ਅਸਲੀ ਕਾਂਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਚੱਕਾ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਦੋ ਇਹ ਕਮਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਟੈਪ 1 ਵੇਕ ਅਪ ਬ੍ਰਦਰ ਗੋਇੰਗ ਰਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਸਨ ਸਟੈਪ 2 ਗੈਟ ਸਮ ਗੁੱਡ ਸਮ ਫੂਡ ਇਨ ਯੂ ਸਟੈਪ 3 ਯੂ ਗਰੋ ਹਾਰਡ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਸਟੈਪ 4 everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day 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 wake up today's gonna be a good day